तो दोस्तों ये है मेरा नया लैपटॉप और ये है एसुस की तरफ से आने वाला लेटेस्ट लॉन्च UX371। करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, हालांकि अनबॉक्सिंग मैंने कर ली है पहले ही, लेकिन फिर भी मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा कि क्या क्या हमें बॉक्स कंटेंट मिल जाते हैं और बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च है, नए फीचर के साथ ही आता है, तो सारी चीजें बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ऑलिटैक। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बॉक्स कॉन्टेंट दिखाते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिल जाता है। तो मैं इसको करता हूं यहाँ पे ओपन और फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हमें बॉक्स में मिलता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया है, तो यहाँ पे इसको भी यहाँ रख देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मिल जाता है एक ये स्लीव जिसमें हम इस लैपटॉप को कैरी कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमको एक और बॉक्स मिल जाता है और इसमें मिल जाती है हमको इसकी एसेसरीज। तो दोस्तों एसेसरीज बॉक्स में हमको सबसे पहले मिलता है 65 वाट का पावर अडेप्टर, और इसकी जो बिल्कुल यूनिक बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको जो केबल मिलती है ये मिलती है टाइप सी केबल, यानी कि जो लैपटॉप है इसमें चार्जिंग पॉइंट टाइप सी का है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक पावर कोड मिल जाता है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको दो केबल और मिल जाती है, एक छोटा सा कनेक्टर कह सकते हैं आप इसको, ये है टाइप सी टू 3.5 mm जैक, और इसके अलावा यहाँ पे मिल जाता है एक RJ45 to USB A। चलिए मैं करता हूँ अनबॉक्स लैपटॉप को। तो दोस्तों ये है ASUS ZenBook लैपटॉप का बॉक्स, करते हैं इसको ओपन। और यहाँ पर जैसे हम ओपन करते हैं यहाँ पे हमको लिखा मिलता है OLED, यानी कि इसके अंदर जो डिस्प्ले मिलने वाली है वो OLED UHD डिस्प्ले आपको मिलने वाली है। ये है लैपटॉप, आप देख सकते हैं काफी पतला लैपटॉप है और काफी स्लिम है, आप देख सकते हैं कितना स्लिम ये लैपटॉप है। तो ये काफी अच्छी बात है कि यार आप इजीली इसको कहीं भी ट्रेवल में कहीं ले जाएंगे तो इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। अगर पोर्ट्स की बात करें तो मैं आपको पोर्ट्स के बारे में बता दूं, यहाँ पे आप इधर राइट साइड में अगर आप पोर्ट्स देखें तो आपको मिल जाता है एक USB पोर्ट और एक शायद पावर ऑन ऑफ का बटन है। और यहाँ पे अगर हम देखें लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है एक HDMI का पोर्ट और दो यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, और बैटरी इंडिकेटर भी आपको साथ में मिल जाता है। और बैक साइड की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ बैक साइड में दिखाई देता है। तो काफी कॉम्पैक्ट है, स्लिम है बहुत ही, और लाइट वेट है। लैपटॉप को भी हम साइड में रख देते हैं। इसके अलावा देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है एक, यहाँ पे मिलता है ये स्टाइलस, आप इसको देख सकते हैं ये स्टाइलस है, यानी कि ये जो लैपटॉप है ये टच स्क्रीन का होने वाला है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पे स्टाइलस के अलावा यहाँ पे एक और बॉक्स है, इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और यहाँ पे मिल जाते हैं हमको कुछ पेपर वर्क, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है कुछ पेपर वर्क। और फाइनली यही सब कुछ मिलता है हमें बॉक्स में। चलिए लैपटॉप को ओपन करते हैं और बताता हूं कि कैसा है इसका डिजाइन। तो दोस्तों फाइनली यहां पे हम करते हैं लैपटॉप को ओपन, और आप देख सकते हैं ये जो लैपटॉप है मैंने यहां पे ओपन कर दिया है। और इस लैपटॉप के अगर साइज की बात करूं तो 13.3 इंच का ये लैपटॉप है, और आप देखिए ये पूरी तरह फ्लिप हो जाता है, यानी कि इसका जो नेम है ASUS ZenBook Flip S उसके हिसाब से फ्लिप हो जाता है। और अगर और भी ज्यादा फ्लिप करना चाहे तो आप इसे और भी ज्यादा फ्लिप कर सकते हैं, आप इसको पूरी तरह से फ्लिप कर सकते हैं। आप ये देखिए ये पूरी तरह से यहाँ पे फ्लिप हो गया है, तो इस तरह से फ्लिप हो जाता है पूरी तरह से। आप इसको चाहे तो इस तरह से आप एज ए iPad भी की तरह भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसको वापस से हम इसकी पोजीशन में लेके आते हैं। तो ये जो लैपटॉप है ये पैंटोन वैलिडेट है, यानी कि कलर वगैरह काफी अच्छे इसमें मिलने वाले हैं आपको डिस्प्ले में। इसके अलावा हार्मन कार्डन के यहाँ पे आपको साउंड मिल जाएगा, यानी साउंड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे AI नॉइस कैंसलाइजिंग माइक भी आपको मिल जाता है। 10 आवर की इसमें बैटरी लाइफ यहाँ पे बता रखी है। और अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो US मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी है। चलिए इसको पावर ऑन करते हैं यहाँ से साइड से। पावर ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं इस लैपटॉप के कलर वगैरह कैसे हैं। तो यहां पे देखिए अभी ये पावर ऑन हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने लैपटॉप को पावर ऑन कर लिया है। मैं जल्दी से सेटअप करता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। दोस्तों लैपटॉप के कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड के बटनों के बीच में काफी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है, जिससे आपकी जो टाइपिंग की एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं ये जो इसका टच पैड है, अगर मैं यहाँ पे इसको देखिए कुछ सेकंड दबा के रखूंगा तो यहाँ पर देखिए ये आपको न्यूमेरिकल पैड की तरह भी काम करेगा, और जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा ये ऑफ हो जाएगा और वो टच पैड के भी तरह काम करेगा। यानी आप इसे टच पैड की तरह भी यूज कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर इसको यहाँ पे थोड़ी देर प्रेस करना है और आप यहाँ पर इसको न्यूमेरिकल कीबोर्ड की तरह भी काम ले सकते हैं। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देखी ASUS की तरफ से आने वाले इस ZenBook Flip S लैपटॉप की, जिसका मॉडल नंबर है UX371। सबसे पहले बात करेंगे इसकी डिजाइन की, तो जो इसका डिजाइन है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। 13.3 इंच का इसका डिस्प्ले मिल जाता है, और डिजाइन बहुत ज्यादा स्लिम है ये लैपटॉप, और बहुत ज्यादा लाइट वेट है। इसके अलावा ये पूरी तरह घूम जाता है, यानी कि फ्लिप हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है फ्लिप S।
तो इसको आप आईपैड की तरह भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर जब आप इसको लैपटॉप की तरह यूज करते हैं तो इसका जो एर्गोनॉमिक डिजाइन है वो भी काफी अच्छे से काम करता है और कीबोर्ड को थोड़ा सा ऊपर उठा देता है, जिससे आपका टाइप करने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाता है। और टचपैड के अंदर ही इसमें आपको न्यूमेरिकल बटन भी मिल जाते हैं। इसके अलावा सबसे जो ज्यादा बढ़िया मेरे को इसके अंदर लगा वो लगा इसकी डिस्प्ले, क्योंकि इसके अंदर आपको OLED UHD डिस्प्ले मिल जाती है। वीडियोस आप देखिए, जब आप वीडियो देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा कमाल का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, क्योंकि वीडियोस में ये Pantone वैलिडेट है तो कलर्स बहुत ज्यादा बढ़िया मिल जाते हैं। इसके अलावा साउंड भी काफी अच्छा है, क्योंकि हरमन कार्डन के यहाँ पे स्पीकर यूज किए गए। चलिए मैं आपको एक सैंपल सुनाता हूँ इसके साउंड का। तो दोस्तों साउंड मुझे काफी ज्यादा बढ़िया इसका लगा है। अब मुझे नहीं पता कि माइक्रोफोन ने साउंड को कैसे रिकॉर्ड किया है, कितना जस्टिफाई किया है, लेकिन मुझे सुनने में काफी अच्छा लगा है। अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। इसके अंदर आपको इंटेल का i7 लेटेस्ट 11 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है। रैम की अगर बात करें तो 16 GB की यहाँ पर रैम मिल जाती है। और स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर हार्ड डिस्क तो आपको नहीं मिलती है, लेकिन 1 GB की SSD इसके अंदर मिल जाती है, जिसकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है और ये बूटअप भी फटाक से हो जाता है। आप इसको पूरी तरह फ्लिप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको आईपैड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, इसके साथ जो स्टाइलस आता है तो इसके अंदर आपको 4096 प्रेशर लेवल का स्टाइलस सपोर्ट भी मिल जाता है, जिस स्टाइलस की मदद से आप इस पे काफी अच्छे से ड्रॉइंग कर सकते हैं, काफी अच्छे से डिजाइन वगैरह बना सकते हैं। बाकी मैंने इसको अपनी फिंगर से भी टच करके देखा तो मेरा जो टच एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बेहतर था। इसके अलावा ये जो लैपटॉप है ये आपकी कोई भी काम आप इसमें करेंगे तो आपको काफी बेहतर परफॉर्मेंस देगा। हालांकि ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, फिर भी अगर आप इसमें गेम खेलते हैं तो भी आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। मैंने इसके अंदर स्पार्क 9 खेल कर देखा था तो मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं लगी। तो लैपटॉप ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात मेरे को लगा कि बहुत छोटा सा लाइट वेट है, सारे फीचर आपको इसमें मिल जाते हैं। आप टच यूज करो, टच पैड की तरह यूज करो, आप इसको आईपैड की तरह यूज करो, चाहे आप इसको लैपटॉप की तरह यूज करो, ट्रैवल करने में भी बहुत इजी है। तो मुझे लैपटॉप बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। अगर आपको भी लैपटॉप पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखें और ये बताएं कि इस लैपटॉप के अंदर आपको कौन सी बात ज्यादा बढ़िया लगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।